और विद्या भारती अखिल भारतीय शिक्षा संस्थान के बारे में मैं आपको जानकारी देना चाहता हूँ। श्री जो लखनऊ केंद्र उन्होंने बनाया, उन्होंने मतलब श्री कृष्णचंद्र गांधी जी की योग्यता और मौलिकता को देखते हुए माननीय भाऊ राव देवरस जी ने उन्हें सन 1969 में सरस्वती शिशु मंदिर योजना का ही प्रमुख बनाकर लखनऊ लेकर के आए और वहां पहुंचते ही माननीय गांधी जी ने निराला नगर में भारतीय शिक्षा शोध संस्थान की स्थापना की, जिसका उद्देश्य था कि भारतीय शिक्षा के विकास का अनुसंधान और मार्ग का निर्धारण करना। निराला नगर के सरस्वती कुंज परिसर में अनेक भवनों का निर्माण कराया, जिसमें सरस्वती शिशु मंदिर और सरस्वती विद्या मंदिर के प्रशस्त भवन, सरस्वती शिशु मंदिर परिसर में विद्या की अधिष्ठात्री देवी माँ शारदा का मंदिर और जो शिशु मंदिर प्रकाशन, ये सारी जो इनके सरस्वती कुंज के जितने भी प्रकल्प हैं उनका निर्माण इन्हीं की देखरेख में हुआ। सरस्वती शिशु मंदिर योजना के लिए शिक्षकों का प्रशिक्षण भी प्रारंभ किया गया और वहाँ प्रशिक्षण विद्यालय है जिसमें निरीक्षणकर्ताओं की प्रदेश एवं विभागशा समन्वयों की बनी हुई है। उसी का जो सरस्वती शिशु मंदिर प्रकाशन है में जैसे जैसे विद्यालयों की व्यापकता बढ़ी, समस्या सामने आई कि आदर्श भारतीय शिक्षा के लिए आदर्श और उपयोगी पाठ्यक्रम बनाया जाए, नए ढंग से पुस्तकें लिखाई जाएँ और एक इस कारण एक प्रकाशन की स्थापना की जाए। अनेक स्तरों पर चिंतन हुआ, गांधी जी ने मार्गदर्शन दिया और उसके पश्चात जैसा कि बता चुके हैं चाहती कि आचार्य शिष्य संवाद नाम से एक पुस्तक लिखी उन्होंने, जिसमें आचार्य और बच्चे मतलब छात्र का जो संवाद हो वो किस भाषा में हो, किस शैली में हो, ये लिखा गया और इतिहास गा रहा है एक पुस्तक इतिहास से संबंधित भी इन्होंने लिखी। लेकिन ये लिखने के बाद कि इनका प्रकाशन कैसे हो, इसके लिए उनके पास धन नहीं था। ये मथुरा गए, वहाँ के एक गांधी जी के ही प्रिय स्वयं सेवक थे जिनका पुस्तक मुद्रण का कार्य था, उनसे आग्रह किया और उन्होंने इनके आग्रह को स्वीकारा और इनकी पुस्तक का प्रकाशन किया और इसके साथ ही साथ उन्होंने सरस्वती शिशु मंदिर प्रकाशन के नाम से एक संस्था की स्थापना की जो कि मथुरा में भी है, गायत्री तपोभूमि के सामने स्थित है और देश भर को उत्तम पुस्तकें अल्प मूल्य पर उपलब्ध करा रहा है। इसके साथ ही जो विद्या भारती अखिल भारतीय शिक्षा संस्थान है, इसकी भी स्थापना सन 1978 में की। इसके प्रमुख कार्य विद्या भारती अखिल भारतीय शिक्षा संस्थान का कार्य अपनी संस्कृति के बारे में लोगों को जानकारी देना है। आज विद्या भारती का केंद्रीय कार्यालय कुरुक्षेत्र से दिल्ली में आ गया है और इससे संबंधित लगभग 22,000 विद्यालय चल रहे हैं, जिनमें 1,10,000 से अधिक आचार्य आचार्य लगे हुए हैं और 25,00,000 से भी अधिक हमारे भैया हैं शिक्षा कर रहे हैं। इनकी तपस्या को देखते हुए सन 1978 में एक विराट शिष्य संगम की योजना बनाई गई, जो उस समय के अधिकारियों ने इसकी चर्चा करते हुए श्री भाऊ राव जी ने इनको माननीय गांधी जी को ही इसका संयोजक बनाया, जिसमें 16,000 शिशुओं का विराट कार्यक्रम किया गया। आज से लगभग 42 साल पहले 16,000 बच्चे कैसे पहुँचे होंगे, ये तो उस समय का बहुत बड़ा कार्य रहा होगा। सभी प्रांतों के बच्चे शिविर में आए, जिनको सुव्यवस्थित भोजन और जगह जगह पे उनको जलपान कराते हुए लाया गया और जब संचलन निकला उस समय घोष पत्रों की सुरीली ध्वनि और रंगीन दृश्य देख करके वहाँ के लोग जो है बहुत ही प्रसन्न हुए